हेलो एंड वेलकम, मैं हूं भावना और आप देख रहे हैं स्काई न्यूज़ ग्लोबल। राजेश खन्ना के सभी फैंस के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हां, भारत के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना की बायोपिक जल्द ही बड़े पर्दे पर आने वाली है। इस बायोपिक को फारा खान डायरेक्ट करेंगी। क्या खास है इस बायोपिक में, देखिए इस खास रिपोर्ट में। राजेश खन्ना के 79 बर्थडे के मौके पर उनके फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी है। काका के नाम से पॉपुलर राजेश खन्ना की बायोपिक जल्द ही बड़े पर्दे पर आने वाली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बायोपिक को फारा खान डायरेक्ट करने जा रही हैं। राजेश खन्ना ने लगातार 17 बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। निर्माता निखिल द्विवेदी ने गौतम चिंतामणि की किताब डार्क स्टार द लोनलीनेस ऑफ बीइंग राजेश खन्ना के राइट्स हासिल कर लिए हैं, जो पहले बेस्ट सेलर लीड में सबसे ऊपर रह चुकी है। वहीं फारा खान गौतम चिंतामणि के साथ स्क्रिप्ट लिखेंगी। ये जानने के लिए हर कोई सांस रोक कर इंतजार कर रहा है कि राजेश खन्ना का किरदार आखिर कौन निभाएगा। आपको बता दें कि राजेश खन्ना को लेकर ऐसी दीवानगी थी कि फीमेल फैंस उन्हें खून से चिट्ठियां लिखा करती थी, उनकी तस्वीरों से शादियां किया करती थी। फारा खान ने कहा कि वो उस फिल्म को बनाने को लेकर अभी बातचीत कर रही हैं। उन्होंने आगे कहा कि जैसे ही फिल्म को लेकर कोई बड़ी घोषणा होगी तो आप लोगों को जरूर शेयर करूंगी। फारा खान ने कहा कि हाँ, मैंने गौतम की किताब पढ़ी है और ये बहुत आकर्षक है। हम अभी बातचीत कर रहे हैं इस पर और अधिक टिप्पणी नहीं कर सकते। राजेश खन्ना की सभी फैंस उनकी बायोपिक को लेकर काफी एक्साइटेड है। अब देखना ये होगा कि ये बायोपिक कब तक बड़े पर्दे पर दिखाई देगी। राजेश खन्ना के 79 बर्थडे के मौके पर उनके फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी है। काका के नाम से पॉपुलर राजेश खन्ना की बायोपिक जल्द ही बड़े पर्दे पर आने वाली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बायोपिक को फारा खान डायरेक्ट करने जा रही हैं। राजेश खन्ना ने लगातार 17 बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। निर्माता निखिल द्विवेदी ने गौतम चिंतामणि की किताब डार्क स्टार द लोनलीनेस ऑफ बीइंग राजेश खन्ना के राइट्स हासिल कर लिए हैं, जो पहले बेस्ट सेलर लीड में सबसे ऊपर रह चुकी है। वहीं फारा खान गौतम चिंतामणि के साथ स्क्रिप्ट लिखेंगी। ये जानने के लिए हर कोई सांस रोक कर इंतजार कर रहा है कि राजेश खन्ना का किरदार आखिर कौन निभाएगा। आपको बता दें कि राजेश खन्ना को लेकर ऐसी दीवानगी थी कि फीमेल फैंस उन्हें खून से चिट्ठियां लिखा करती थी, उनकी तस्वीरों से शादियां किया करती थी। फारा खान ने कहा कि वो उस फिल्म को बनाने को लेकर अभी बातचीत कर रही हैं। उन्होंने आगे कहा कि जैसे ही फिल्म को लेकर कोई बड़ी घोषणा होगी तो आप लोगों को जरूर शेयर करूंगी। फारा खान ने कहा कि हाँ, मैंने गौतम की किताब पढ़ी है और ये बहुत आकर्षक है। हम अभी बातचीत कर रहे हैं इस पर और अधिक टिप्पणी नहीं कर सकते। राजेश खन्ना की सभी फैंस उनकी बायोपिक को लेकर काफी एक्साइटेड है। अब देखना ये होगा कि ये बायोपिक कब तक बड़े पर्दे पर दिखाई देगी। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज, तुरंत समाधान, ए टू जेड समस्याओं का घर बैठे समाधान। 72 शक्तियों के माहिर, 21 बार गोल्ड मेडलिस्ट, वर्ल्ड फेमस बाबा सुल्तान बंगाली, स्पेशलिस्ट गृह कलेश, नौकरी प्रमोशन, कारोबार में रुकावट, विवाह में रुकावट, संतानहीनता, तलाक, कोर्ट के सौतन, दुश्मन से छुटकारा, वशीकरण, मुटकरणी, सारी जगहों से निराश हो तो जल्द संपर्क करो वर्ल्ड फेमस बाबा सुल्तान बंगाली। बाबा सुल्तान बंगाली 7230999170।